सो आज मेरी एनर्जी वापस आ गई है. टुडे वी विल कवर हिकिम कॉमिक एंड लांगजा. दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. वी गोना पोस्ट दिस पोस्टकार्ड ओवर हियर. आई वांट टू स्टे हियर फॉर माय लाइफ लॉन्ग. अंदर जाके एक अलग सी शांति मिली. बी क्वाइट एंड जस्ट बी इन योरसेल्फ. सारी नेगेटिविटी सारी दूर हो गई. बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स. गाइस वी आर एट चिचम ब्रिज. देयर्स अ मिरर. हाय गाइस. सो हे गाइस व्हाट्स अप. वेलकम बैक टू द व्लॉग. सो आज मेरी एनर्जी वापस आ गई है. दो दिन बाद, मतलब दो दिन से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी, बट आज एनर्जी वापस आ गई है. टुडे वी विल कवर हिकिम कॉमिक एंड लांगजा. एंड आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आज वापस मैं अपनी बाइक राइड करने वाला हूँ. मतलब आफ्टर टू डेज मैं अपनी बाइक आज फिर से राइड करूँगा. आई एम सो मच एक्साइटेड, ऑल्सो एक्साइटेड टू शो यू. तो चलो अब चलते हैं. लेट्स गेट इन, राइड द बाइक एंड कवर ऑल दिस लोकेशंस. हमारी थार, जीप और एक इनोवा निकल चुकी है. एंड बस ये वाली कार्स बची हैं, एक दो तीन चार. एंड एक मेरी बाइक बची है. बस अभी भी निकलते हैं जल्दी से एंड एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया वाला. वी आर लीविंग फॉर हिकिम एंड वी गोना पोस्ट सम पोस्ट कार्ड्स एट हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. एंड आई एम सो ग्लैड टू सी माई बाइक आफ्टर टू डेज. मतलब नॉट टू सी बट टू राइड. मतलब आई एम राइडिंग माई बाइक आफ्टर टू डेज. ऑल्सो वी बॉट आर पोस्ट कार्ड्स लास्ट नाइट, क्योंकि हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि वहाँ पर जाके पोस्ट कार्ड्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, बिकॉज शॉप्स कई बार बंद भी होते हैं. सो हमने लास्ट नाइट ही सारे पोस्ट कार्ड्स परचेज कर लिए थे. एंड नाउ वी आर लिविंग. बाकी हमारी सारे व्हीकल्स निकल चुके हैं, बस मैं और एक व्हीकल और रहता है. देन वी विल लीव फॉर हिकिम. Where is a Lord Buddha statue of 35 feet high, and the Langza is approximately at 14,300 feet, which is equivalent to almost 4,000 meters. So yeah, it's really high. And this village is also famous for its marine fossils. And उसके बाद just we started moving towards comic. And क्या आप believe कर सकते हो? इस छोटे से गांव की आबादी सिर्फ 114 लोग हो सकती है. So अभी finally पहुंच चुके हैं हम comic में. एंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमें लांगजा से कॉमिक आना था क्योंकि हम अपने जो क्रू था उनसे बिछड़ गए थे. एंड ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड नहीं था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यार ऑफलाइन मैप. सो वी आर हेयर फॉर अ कैफ़े. एंड यहाँ पे हमने बहुत कुछ नई चीज़ ट्राई करी, जैसे मैगी वगैरह. तो चलो इट्स ओल्ड थिंग. जो हमने नया ट्राई किया है वो है सी बकथॉर्न टी. एंड दिस टेस्ट ऑसम. एंड कैफ़े के पीछे ये एक ब्यूटीफुल सा सीन है. क्वाइट लविंग दिस ट्रिप. बहुत मज़ा आ रहा है यार इस ट्रिप पे. लाइक पहले दूसरे दिन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट उसके बाद आई एम एंजॉइंग दिस. आई एम एक्सट्रीमली एंजॉइंग दिस. सो वी आर गुड टू गो एंड वी आर लिविंग फॉर द हिकिम. एंड बाकी सब वहाँ वेट कर रहे हैं. एज सुन एज दे विल फिनिश देयर मैगी एंड हॉट चॉकलेट, दे विल ऑल्सो अराइव सून. एंड अभी हम निकलते हैं बाइक पे हिकिम के लिए, विच इज़ the highest post office in the world at 15,000 feet. So let's go. The bike is there and we are here. So now finally we are at Hikim and this is the highest post office in the world. Let me show you guys. This is the highest post office in the world. And now we will post some postcards. वहाँ से लेकर postcards post करने वाले हैं. So now we'll post the postcards here. So yeah, yeah, these stamps. Nice. We're gonna post this postcard over here. Done. And we are leaving for Chicham Bridge and Key Monastery. And Abeg's gonna drive the bike for a moment. So guys, here we go.
to the key monastery, which was very much awaited since 7 months, I guess. क्योंकि यहाँ की मैंने एक बार रील देखी थी किसी की, एंड आई लव दिस प्लेस. इन दैट रील मैं तब से यहाँ आना चाहता था. इट इज़ अ गुड मॉनेस्ट्री. लाइक फर्स्ट वन इज़ द धंका मॉनेस्ट्री एंड सेकेंड इज की मॉनेस्ट्री. वी आर जस्ट एंट्रिंग इन टू द की मॉनेस्ट्री. दैट वॉज द गेट एंड हियर वी हैव एंटर्ड इन द की मॉनेस्ट्री. लुक, हैव अ लुक ऑन दैट. And this is the key monastery. Key monastery, जो लगभग 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है, जो कि 1,000 साल पुरानी है, जहां कुल 350 मॉन्क्स हैं, जो कि 5 साल की एज के मॉन्क से लेकर 80 साल की एज के मॉन्क्स तक है. ये एक बेल है जिस पे लिखा है ओम मानी पद्मे हम, जो कि यहां की एक लोकल प्रेयर है, और इस बेल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है. और ये है वो जगह जहां लामास बैठकर प्रेयर्स और चैंटिंग करते हैं. सत्तू, यहां का सुपर फूड, जो कि जौ यानी बार्ले को रोस्ट करके चक्की में पीसकर बनता है. और सबसे स्पेशल होती है हर्बल टी, जिसे पीकर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है. और ये है किचन, जहां बहुत सारा खाना बनता है सिर्फ एक टाइम के लिए. और ये वो बर्तन है जिनमें ये सब खाना बनाया जाता है, और ये बहुत बड़े होते हैं, जो कि एक इंसान के लिए उठाना बहुत मुश्किल है. सबसे अच्छी और सुकून की जगह थी मेडिटेशन केव्स, जहां मॉन्क्स बैठकर केव्स और गुफा में शांति से प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करते थे. और इससे बेहतर जगह मैंने कहीं नहीं देखी थी. और मॉन्क्स से कुछ देर बात करने पर प्रॉपर मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में पता चला कि इन केव्स के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, और सिर्फ एक विंडो रहती है जिसकी रोशनी से माइंड कंसंट्रेशन बेहतर होता है, और किसी चीज़ में फोकस करने की ताकत मिलती है, और दिमाग वेल फोकस्ड रहता है. बुद्धिज्म में मेन बुद्धा के स्टैचू पर फोकस किया जाता है, एक चीज़ पर फोकस किया जाता है जिसे वो कहते हैं सिंगल पॉइंट मेडिटेशन. सो फाइनली हम अभी की मॉनेस्ट्री के अंदर जाके आए, जो यार अंदर एक पीस मिला है ना. I want to stay here for life long. मतलब till death I want to stay here. कुछ अलग ही फील हुआ यहाँ पे यार. और यहाँ की सबसे स्पेशल हर्बल टी बहुत ही रिफ्रेशिंग थी. एंड मेडिटेशन रूम्स एंड मॉन्क्स के मेडिटेशन रूम्स, टूरिस्ट के मेडिटेशन रूम्स, सब बहुत अच्छे थे. आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस प्लेस. सीरियसली यार, दिस प्लेस इज ऑसम. बहुत ही अच्छी ऑसम प्लेस. Guys, what's your reviews on this place? I think it was so peaceful that andar jaake ek alag si shanti mili. Normally we speak so much, but har jagah jahan likha tha that do not speak, I realized that it's not important to speak most of the time. Be quiet and just be in yourself. Positive vibes thi bhai, bahut zyada. Meditate karke hame 5 minute ke liye sari negativity sari dur ho gayi. Bahut zyada positive vibes thi. These vibes are so much positive. Matlab इतना पीस मिला यार. एंड नाउ दिस इज हाउ मॉनेस्ट्री लुक लाइक्स फ्रॉम द पार्किंग. लाइक आई एम सो मच लविंग दिस प्लेस. लाइक आई एम टेलिंग बार बार कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस मिला. एंड आई वॉन्ट स्टे हेयर फॉर लाइक वन मोर डे. मतलब इधर ही अगर मैं रह पाऊँ तो. वी आर एट चिचम ब्रिज.
दिस इज द चिचिम ब्रिज एंड लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम हियर. मतलब यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा इनसेन है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ब्रिजेस. हियर इज द ब्रिज, देयर इज द व्यू. आई मीन आई शुड गो ओवर देयर. भाई गहरी खाई है यहाँ से, शायद आपको विजिबल ना हो बट फ्रॉम द नेकेड आईज इट्स विजिबल. यहाँ से आ रही है प्रॉपर झरने की आवाज़. हमारा पहले प्लान कैंसिल हो गया था यहाँ पर आने का, बट देन everyone forced because सबको देखना था. So we reached Tabo back and checked in the lavish rooms. I would give a glimpse of that. मैं सिर्फ glimpse दूंगा and सुबह आपको जाकर दिखाऊंगा पूरे अच्छे से room. So मेरा room है ये. What a insane room. And there's a mirror. Hi guys. And there's a bathroom which is freaking cold. मेरा मन भी नहीं कर रहा इन टैप्स को हाथ लगाने के लिए. इट्स सच कोल्ड, माइनस आई थिंक माइनस 11 डिग्रीज टेम्परेचर. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर आर डिनर. सो वी आर गोइंग हियर फॉर आर डिनर. दिस इज अ लेविश अपार्टमेंट आई वुड से. नाइस. सो द डिनर हैज बीन डन. उसके बाद थोड़ी सी वॉक वगैरह की सबने साथ में, गेट टुगेदर हुआ थोड़ा सा. एंड अभी 2 बज गए हैं रात के, 2 से 2:30 बज गए हैं. आई थिंक 2:30 बज गए हैं. एंड अभी मैं सोऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. एंड कल तो पक्का बाइक मैं ही चलाऊंगा क्योंकि आज थोड़ी देर मैंने बाइक चलाई, फिर उसके बाद कोई ना कोई चलाता रहा, बट कल मैं ही चलाऊंगा. कल वी आर गोइंग टू कल्पा. मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. साइनिंग ऑफ़.